नमस्कार मेरे दोस्तों, वेलकम टू इंडियाज मोस्ट पॉपुलर शो विवेकानंद आंसर्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जयंत कृपलानी। ना आज के प्रोग्राम की शुरुआत में मैं आप सबको एक छोटे से जंगल सफारी में ले जाऊंगा, तो चलो लेट्स गो। बट वेट, उससे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज को, जो हैं एडिटर द वेदांत केसरी रामकृष्ण मिशन मठ चेन्नई। वेलकम टू द शो महाराज, आइए सर, वेलकम बैक, आइए। तो आप इजाजत दें तो मैं शुरू करूं कहानी। हाँ, एक दिन जंगल में एक शेरनी शिकार की तलाश में भेड़ों के एक पाल के सामने आ गई। तो जैसे ही शेरनी उनमें से एक भेड़ को मारने के लिए झपटी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और अचानक उसकी मौत हो गई। तो भेड़ों की पाल में भी एक माँ थी जिसने उस छोटे से शेर के बच्चे को उठाया और अपने बच्चों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया। तो उस बच्चे ने भी उन भेड़ों के जैसे घास फूस खा के चलना फिरना सीखा। उसको लगता था कि वो भी एक भेड़ ही है। अभी उसका चलना फिरना, रहन सहन, सब कुछ भेड़ों जैसे ही हो गया था। कई साल बाद एक दूसरे शेर ने जब देखा कि भेड़ों की पाल में एक बड़ा सा शेर बिल्कुल भेड़ों जैसे ही चल फिर रहा है, घास फूस खा रहा है और भेड़ों जैसे ही आवाज निकाल रहा है, तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने तो कोशिश भी की उस शेर को अलग से समझाने की, वो कोई भेड़ नहीं है, एक ताकतवर शेर है, लेकिन वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं था। फिर एक दिन जब भेड़ों की पाल में वो शेर सो रहा था, उस दूसरे शेर ने उसको उठाया और उठा के पास लाया और उसको मजबूर कर दिया कि वो पानी में अपने आप को, मतलब अपने प्रतिबिंब को देखे। अब उसके बाद उस शेर ने जोर से शोर किया और बोला कि हम तुम भी ऐसा करो। जो इतने दिनों तक भेड़ों की पाल में भेड़ों जैसे बड़ा हुआ, वो अचानक शेर जैसी आवाज निकालने लगा। आई मीन रियली लाउडली शेर जैसी आवाजें निकालने लगा। फिर वो बोलने लगा, आई एम नॉट अ शीप, आई एम नॉट अ शीप, आई एम अ टाइगर, मैं एक शेर हूं। देखिए, मुझे तो कहानी बनानी आती नहीं है, तो ये कहानी भी मैंने स्वामी विवेकानंद जी से उधार ली थी। मैंने जब ये कहानी पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। हमारी जो असली पर्सनालिटी है, रियल पर्सनालिटी होती है, इन मेनी केसेस हमारे ही अंदर छुपी रहती है। महाराज जी, जैसे वो छोटा सा शेर भेड़ बन के बड़ा हुआ, फिर उसको एहसास हुआ कि वो एक शेर है, क्या हमारी जिंदगी में भी अपने आप का सामना करना बहुत जरूरी होता है फॉर रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट? जस्ट व्हाट दैट अदर लायन डिड, भेड़ों की पाल से लाके उसको पानी के सामने खड़ा कर दिया, क्या हमारी जिंदगी में कौन करता है ये सब काम? डू पेरेंट्स डू इट, डू टीचर्स डू इट, और शुड समवन एल्स डू इट? एनी वन ऑफ देम कैन डू इट, बट फर्स्ट जो व्यक्ति है उसको स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करना होगा, रेडी करना होगा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। जैसे कोई व्यक्ति सोया हो, आप उसको तो उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का बहाना बना रहा हो उसको तो उठा नहीं सकते। तो इसी तरह पहले तो व्यक्ति अपने आप में इंटरेस्टेड हो कि मुझे उठना है, तब अगर वो इंटरेस्टेड है तब पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में आ जाता है जिससे उसको पूरी हेल्प मिल जाती है। और ये जो उठाना होता है, ये दो तरह का होता है। एक तो हमारे अंदर जो योग्यता है जिसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं, उसको उठाना, जैसे कोई लिखना चाहता है, कोई दौड़ना चाहता है या कुछ करना चाहता है, उसको उठाना, कॉम्पिटेंस, योग्यता। और दूसरा है हमारे चरित्र को उठाना, आवर कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब आई वॉन्ट टू बी ट्रूथफुल, आई वॉन्ट टू बी गुड, उसके लिए भी एक जैसे दूसरा शेर आए हमको उठाए। तो दो तरह से ये उठता है और उसके लिए हमें अपने आप को प्रस्तुत करना है, रेडी करना है। I have a book with me called Dissolve the Box. It's written by Santosh Sharma. ने आज हमारे बीच एक खास मेहमान है जिन्होंने जिंदगी की शुरुआत एक तरीके, एक अंदाज से की, फिर जैसे जैसे जिंदगी में नए मोड़ आते गए, वो तरीका, वो अंदाज,
बदलता चला एंड ही केप्ट ऑन रीडिस्कवरिंग हिमसेल्फ, नॉट जस्ट हिमसेल्फ बट ऑल्सो हिज पर्सनैलिटी. और आज वो दूसरों की जिंदगी, नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशंस, बदलने की काम से जुड़े हुए हैं. Now everybody, please welcome, yes indeed, Mr. Santosh Sharma, the author of Dissolve the Box and the cultivator of the Freedom Foundation. He is the Freedom Man. Mr. Sharma, welcome to the show. Please, aaiye. Aaiye, come. Mr. Sharma, welcome to the show. संतोष जी, आपकी लाइफ और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम सबको कुछ बताइए. जी, मैं अभी फिलहाल आई एम रांची में विजिटिंग फैकल्टी हूँ और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मैं उनके बॉक्सेस डिसॉल्व करता हूँ. ये बॉक्सेस का मतलब है मेंटल केजेस जो हमें बांध के रखती है, जो हमारे हीरो को पकड़ के रखती है. मैं इसी हीरो को निकालने की कोशिश करता हूँ हर आदमी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में. और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लोग हैं और हम लोग सब मिलके पांच विलन्स को, हम लोग एक इंडिविजुअल से और एक ऑर्गेनाइजेशन से, उन पांच विलन को हम लोग दूर कर रहे हैं. और ये पांच विलन है एल्फियार्ड. एल्फियार्ड, ओके. एल एफ ई ए और डी. एल का मतलब है लिमिटेड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब संकुचित विचारधारा. इसको हम लोग एक फ्रॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, कुएं का मेढक. ये जो लिमिटेड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारे अंदर डर पैदा करता है. ये डर को हम लोग माउस से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये डर के कारण हमारे अंदर में अहंकार, ईगो आती है. इस ईगो को हम लोग एक लायन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ईगो के कारण हमारे अंदर अटैचमेंट आती है, हम लोग पकड़ के रखते हैं किसी चीज को. और वो अटैचमेंट के कारण, और ये अटैचमेंट हम लोग एक डॉग हड्डी से उलझा हुआ रहता है, हम लोग उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ये अटैचमेंट के कारण हमारा दिमाग हावी हो जाता है, जिसे हमें डोमिनेंट माइंड बोलते हैं. इसको हम लोग एक बुल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब ये पांच विलन हम सबको पकड़ के रखे हुए हैं और हमारे हीरो को बांध के रखा हुआ है. और सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक सोसाइटी को, एक देश को बांध के रखा हुआ है. और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है हमारी, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, वो इन्हीं पांचों विलन्स के कारण होती है. एनी रिस्पांस टू दिस? या हेलो सर, प्रणाम महाराज जी. सर, इन प्रैक्टिकल लाइफ अक्सर ऐसे सिचुएशंस आते हैं कहाँ, जहाँ पर हमें अपना पर्सनालिटी को हाइड करना पड़ता है या फिर कवर करना पड़ता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंशियल कंपल्शंस. सर, ऑन दिस अकाउंट आई हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड दैट इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी सी आवर बॉसेस डजंट वांट दैट हिज सबॉर्डिनेट्स वुड हैव एक्स्ट्रा एडेड पर्सनालिटी, अदरवाइज इट विल शैडो देयर ओन पर्सनालिटी. या एग्जैक्टली. सो महाराज जी, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि इन दैट सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए? क्या हम हमारी पर्सनालिटी को दबाए रखें या फिर हमें एक्सप्लोर करना चाहिए हमारी पर्सनालिटी? पहले तो आप समझिए इस शब्द को, पर्सनालिटी को. पर्सनालिटी शब्द का अर्थ इंडिविजुअलिज्म नहीं होता. Excellent. कि मैं एक बस अपनी बात करूँगा, उसको हम पर्सनैलिटी कहेंगे. पर्सनैलिटी इज ए ग्रोथ ऑफ वैल्यूज इन लाइफ. कि आपने कुछ सीखा है, आप वो आपके अंदर एक ऐसा, यू हैव इंटरनलाइज इट सो मच. जैसे सत्य है, अहिंसा है, पेशेंस है, इन सबसे पर्सनैलिटी बनती है. नहीं तो एक रॉ स्टेट होती है ना इंडिविजुअलिटी की, व्यक्तित्व की, तो उसको लेके तो झगड़े होते ही हैं. एक्चुअली दिस आइडिया दैट वी आर शीप इट सेल्फ इज रॉन्ग. वी आर नॉट शीप, वी आर लाइन ऑलरेडी, वी आर टाइगर ऑलरेडी. वेदर टाइगर और लाइन, वी आर ऑलरेडी दैट. कहना ये है कि हमने अपने आप को एक छोटे से, एक जैसे ये कह रहे हैं, एक बॉक्स में रखा हुआ है. हाँ. या अपने एक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, उस सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करना है. अगर एक शीप सोचे कि वो शेर है, वो अगर वो, क्या वो शेर बन पाएगी? ये आपका प्रश्न है. बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि असल में ये शेर और शीप ये तो दोनों एग्जाम्पल्स हैं. हाँ. असल में जो बात की जा रही है कि हमारे में जो क्षमता है, क्या वो निकाल सकते हैं क्या? हाँ. उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकती, अवश्य हो सकती है. Closing words? I would slightly differ from his. We have three levels of personality. One is what we believe ourselves to be. One, what we have been endowed with in this world. And third, the real self.
I think Swamiji is talking of the real self, right? In the second level, a sheep should think that it is a sheep and it should get the best out of that sheep. And the lion should think that he is a lion and he should get the best out of being a lion. That makes, is beginning to make a little bit of sense, I think, yes? भाई ये सब सुनकर और जानकर इतना ज़रूरी मुझे समझ में आ गया है कि हमारे अंदर की रियल पर्सनालिटी, रियल सेल्फ बिजली की तरह होती है. जब घर में अंधेरा हो तो अपने आप को दबा के रखने से और रोने से कोई फ़ायदा नहीं. अपने अंदर जो बिजली है, जो ताकत है, जो रोशनी है, उसको ढूंढना पड़ेगा और वही आपकी रियल पर्सनैलिटी है. इसी विषय पर होगी और भी चर्चा, जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आज नहीं, हमारे अगले एपिसोड में. सो डोंट मिस द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ विवेकानंद आंसर्स. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय. तब तक स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे इंस्पायर्ड. नमस्कार. नमस्कार स्वामी जी. नमस्कार सर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. एंड नमस्कार माय लवली गेस्ट.